आगरा जनपद से बड़ी खबर आ रही है। आगरा के थाना शमशाबाद में बलात्कार मामले में पुलिस की दिखी उदासीनता। इस खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, आइए देखते हैं पूरी खबर। 14 वर्षीय बालिका को गांव के ही चार युवकों ने बनाया अपनी हवस का शिकार। पुलिस प्रशासन ने नहीं समझा बालिका को मेडिकल टेस्ट कराने का प्रयास। 60 घंटों तक नहीं कराया बालिका का मेडिकल टेस्ट। थानों में लगे मिशन शक्ति बैनर के, लेकिन नहीं हो रही महिलाओं की सुनवाई। सामूहिक दुष्कर्म 60 घंटे बीत जाने पर भी नहीं हुआ मेडिकल टेस्ट। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश और समस्त भारत की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, आइए देखते हैं पूरी। 14 वर्षीय बालिका को गांव के ही चार युवकों ने बनाया अपनी हवस का शिकार। पुलिस प्रशासन ने नहीं समझा बालिका को मेडिकल टेस्ट कराने का प्रयास। 60 घंटों तक नहीं कराया बालिका का मेडिकल टेस्ट। थानों में लगे मिशन शक्ति बैनर के, लेकिन नहीं हो रही महिलाओं की सुनवाई। सामूहिक दुष्कर्म 60 घंटे बीत जाने पर भी नहीं हुआ मेडिकल परीक्षण। जनपद आगरा थाना शमशाबाद क्षेत्र ग्राम गढ़ी जहान सिंह की रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ पड़ोस में रहने वाले चार व्यक्तियों ने सामूहिक दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। पीड़ित के कहे अनुसार यह कहना घटना शाम 7 बजे की बताई जा रही है, जब बालिका को सामान लेने के लिए दुकान पर जाती है। घर लौटते समय चार व्यक्तियों ने उसे अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार ने चार व्यक्तियों के खिलाफ शमशाबाद थाने में तहरीर दी थी, लेकिन मात्र 2 लोगों के खिलाफ FIR पुलिस ने दर्ज की। वह 3 दिन बीत जाने के बाद भी बालिका का मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश सरकार महिला शक्ति अभियान के अंतर्गत नारियों को इंसाफ दिलाने की बात कहते हैं, लेकिन धरातल पर महिलाओं व बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार की दूर दूर तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखना होगा क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाएगा, क्या पुलिस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिला पाएगी। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए ऐसी घटनाओं के साथ। आपकी बच्ची से क्या घटना हुई है? मेरी बच्ची से ये घटना हुई है, 9 तारीख शाम की 7 बजे की बात है। दुकान से सौदा लेके आ रही थी। दुकान से सौदा लेते ही 3-4 लौंडों ने पकड़ के कमरे में ले गए अंदर। अंदर ले जाकर मेरे को नहीं मालूम क्या हुआ है। 1.5 घंटा तक हमने ढूंढिया, कोई मिली नहीं है लड़की मेरी। उसके बाद 2-3 बार मेरा छोटा भाई है वो ढूंढने के लिए गया है वहाँ। पूछा उसके घर पर कि हमारी लड़की आई है यहाँ, लड़की आई है। उन्होंने बोला है कि यहाँ पर नहीं आई है। 1.5 घंटे पीछे उसी घर में से निकली है लड़की। फिर लड़की का निकाल, आप लोग जब वहाँ पहुँचे तो लड़की क्या स्थिति थी? लड़की की स्थिति बेचैन थी बिल्कुल। उसके लड़की को खींचा, उस लड़के को खींचा, मेरे छोटे भाई के मुंह में सेम मारा है। में आप कहाँ के रहने वाले? जान सिंह गढ़ी के। ये कितने बजे की घटना रही होगी? ये है 7:30-7 बजे करीब। वो कौन लोग? लड़की के साथ क्या दुष्कर्म किया गया? अब दुष्कर्म ही किया गया है। दुष्कर्म किया गया? वो कौन है? वो ठाकुर लोग हैं, ये कुशवा लोग हैं। नाम क्या है उनका? उसका नाम है जितेंद्र और क्या कहते हैं रजनेश, राहुल और धनवेश। आपने इसकी शिकायत क्षेत्रीय चौकी एवं थाने में की? हाँ की है। क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई कुछ नहीं हुई है अभी तक जी। हाँ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। तो यूँ करें, हमारी पुलिस वहाँ फोर्स में क्षेत्रीय चौकी एवं थाने में की? हाँ की है। क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई कुछ नहीं हुई है अभी तक जी। हाँ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। तो यूँ करें, हमारी पुलिस वहाँ फोर्स में गई है, वहाँ गई है। मेडिकल हुआ है कि नहीं? मेडिकल नहीं हुआ है। मेडिकल क्यों नहीं हुआ? कितने दिन हो चुके हैं और अभी तक तो मेडिकल नहीं हुआ है? 9 तारीख की बात है ये। 9 तारीख से लेके 12 तारीख तक अभी तक तो मेडिकल नहीं कराया गया है। क्या कहा क्या जा रहा है? अभी तो यूँ करें, कल कराएंगे, आज कराएंगे। आप बोल रहे हैं कि आप चलो मेडिकल के लिए। अब मेडिकल कहा जा रहा है? आप कहा जा रहा है? आप क्या चाहते हैं? अब मेडिकल करवाओ और क्या करेंगे? कार्रवाई चाहते हैं? हाँ कार्रवाई चाहते हैं हम। कार्रवाई नहीं हुई तो काम कैसे चलेगा? आज मेरी लड़की पकड़ी है, कल किसी और की लड़की पकड़ेंगे। लड़की का मेरी का बलात्कार हुआ है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। किसने किया है? 4 लोगों ने। चलो, आप कहाँ के रहने वाली हैं? जान सिंह गढ़ी। कब की घटना थी ये? 9 तारीख की। 9 तारीख से ही घटना है। आज आप थाने आई हैं, समझाओ थाने आई हैं, क्या आज होती है? जरा कुछ नहीं, अभी कुछ सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं? क्या लड़की का मेडिकल हुआ है? नहीं हुआ है। कितने घंटे हो चुके हैं अभी तक लड़की का मेडिकल नहीं हुआ है?
48 घंटे ऊपर से हो चुका है। और पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो हैं अंदर बैठे हुए हैं क्या कह रहे हैं? वो बारी बारी झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। अब क्या चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, सब चाहते हैं। बंद कर दे आपको कैसे मालूम चला था आपकी लड़की के साथ ये घटना हुई? वो सर दुकान वाला कहने आया था मेरे से। दुकान वाला आपके घर पे कहने आया था? हाँ। क्या कहा था दुकान वाले? तुम्हारी लड़की उसके घर पे, उसके घर पे। आप जब वहाँ पे गई वहाँ पे लड़की क्या स्थिति थी? लड़की की बहुत खराब स्थिति थी, बहुत खराब स्थिति थी। हाँ। लड़की क्या कह, लड़की ने क्या बताया आपको? मुझे नहीं कुछ बताया। बाद में क्या बताया? बाद में यही बताया, मम्मी मेरे साथ ये हुआ है, ये हुआ है, चार लड़कों ने किया है, छेड़खानी की है। इंडिया 24 न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो।